न्यूट्रिशन के टॉपिक को हम पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर. हमने इंट्रोडक्शन देखा था न्यूट्रिशन का और उसके बाद फिर हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी. हमने दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी. एक हमने कहा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हमने कहा था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हमने डिटेल को भी देख लिया था. प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से पाई जाती है और प्लांट्स किस तरह से अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ये हमने देखा था. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से पाई जाती है. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. हमने कहा था कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, तो उनको हम कहते हैं वो हैं हेटरोट्रॉफ्स. और ये जो टाइप है न्यूट्रिशन की, इसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जबकि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, तो तब हम उनको कहते हैं कि वो उनकी जो न्यूट्रिशन है वो कहलाती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि प्लांट्स में ऐसे कौन से प्लांट्स हैं या ऐसी किस तरह की न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं जिनमें प्लांट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर डिपेंड करते हैं. और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? वो हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं जिनके ऊपर प्लांट्स डिपेंड करते हैं या प्लांट्स जिनसे फूड खुद ऑब्टेन करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं. वैसे तो जनरली हम जानते हैं कि प्लांट्स को अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए एक तो एयर की ज़रूरत है, उसके अलावा वाटर की ज़रूरत है और कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है. मिनरल्स को हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल में भी देखा था. ये रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके थ्रू वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं. इसके अलावा प्लांट्स को अगर हम सप्लीमेंट्स के तौर पे कुछ और चीज़ें जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर दे दें जिनमें प्लांट्स आ जाते हैं या एनिमल्स आ जाते हैं, तो क्या होता है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बेहतर हो जाती है. वो प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं और वो एज अ सप्लीमेंट इन तरह की चीज़ों को, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, प्लांट्स को या एनिमल्स को ले लेते हैं अपने फूड में. सो प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल मेथड्स पाए जाते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए और उन मेथड्स को वन बाय वन हम देखते जाएंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ये एक तरीका है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है अपनी फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लेने के लिए. इसमें होता यह है कि प्लांट्स जो हैं वो डेड चीज़ों के ऊपर या डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर डिकेइंग मैटर से अपनी फूड एब्जॉर्ब करते हैं. इसको हम साथ में मेंशन भी कर देते हैं दैट प्लांट्स फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर. अब ये डेड या डिकेइंग मैटर क्या चीज़ हो सकती है? ये अगर हम इसकी एग्जांपल्स में देखें तो अगर कोई प्लांट है, डेड प्लांट या डेड लीव्स हैं, ठीक है, लेट सपोज डेड लीव्स हो गए या फिर रॉटन ट्री ट्रंक हो गया, तो कुछ पौधे इस तरह के होते हैं कि वो डेड लीव्स के अंदर से या रॉटन कोई गला सड़ा सा ट्री ट्रंक है, स्टेम है, वहाँ से अपनी फूड जो है वो ले लेते हैं. वो किस तरह से लेते हैं? फूड इस तरह से लेते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये कुछ ख़ास किस्म के एंजाइम्स रिलीज करते हैं. दे रिलीज एंजाइम्स. अब ये एंजाइम्स जो हैं ये स्पेशल किस्म के एंजाइम्स होते हैं और ये करते क्या हैं कि ये डाइजेस्ट कर देते हैं डिकेइंग मैटर को. और डाइजेस्ट किस तरह से करते हैं? बेसिकली ये इनके कम्प्लेक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो कम्प्लेक्स मटेरियल से मिलके बनी, ठीक है, दे आर कम्प्लेक्स. तो कम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर या कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है. तो दे डाइजेस्ट डिकेइंग मैटर, डाइजेस्ट इन द वे कि ये कम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर देते हैं. अब जब वो सिंपल सब्सटेंसेस में होंगे तो प्लांट्स उनको ईजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये होगा कि प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे सोल्युबल प्रोडक्ट्स को, सोल्युबल प्रोडक्ट्स. और जो बाकी पीछे बच जाएगा वो एक आप समझ लें कि वो यूजलेस किस्म का मटेरियल होगा और वो यूँ ही जाया जाएगा. यहाँ पे ये जो ब्रेक डाउन का स्टेप है, जैसे कि हमने बात की कि स्पेशल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, यहाँ पे ना सिर्फ एंजाइम्स बल्कि कुछ बैक्टीरिया की भी टाइप्स हैं ऐसी जो क्या करती हैं
के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ के ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसको हम डिकम्पोजिशन के अंदर भी पढ़ते हैं। तो हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं कि कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो कि ब्रेक कर देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। सम बैक्टीरिया ऑल्सो ब्रेक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ब्रेक कर देंगे, सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर क्या होगा, फिर आगे से जो प्लांट्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे या डाइजेस्ट कर लेंगे। अब जहाँ बैक्टीरिया की बात की हमने, बैक्टीरिया क्या करता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ देता है, दे इट ब्रेक्स द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस स्पेशली प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स हैं, और फिर क्या करता है कि उनको तोड़ फोड़ के उनके अंदर से नाइट्रेट्स निकाल देता है, ठीक है। और नाइट्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फिर बैक्टीरिया ने क्या किया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ के उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया, और नाइट्रेट्स जो हैं वो फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, या प्लांट्स की बेसिकली रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं नाइट्रेट्स को। तो ये हमने देख लिया सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो कहलाती है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन हम लिख देते हैं। अच्छा, पैरासिटिक या पैरासाइट के वर्ड को आप ऑलरेडी जानते भी हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन हम उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है इस तरह से कि वो उसको नुकसान पहुंचाता है। नुकसान इस तरह से पहुंचाता है, हम कहते हैं कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है पैरासाइट और दूसरा होता है होस्ट। पैरासाइट क्या करता है कि वो होस्ट के अंदर या होस्ट के ऊपर, इन और ऑन, या तो उसके अंदर या फिर उसके ऊपर रहता है और उससे अपनी फूड लेता है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ काबिले गौर है कि ये जो हमने पैरासाइट और होस्ट की बात की, ये दो डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, ठीक है। पैरासाइट किसी और स्पीशी का होगा और होस्ट जो है वो किसी और स्पीशी से बिलोंग करता होगा। अच्छा, अब इसका प्रोसेस क्या होता है? होता यह है कि पैरासाइट जो है वो होस्ट के साथ अटैच हो जाता है और उससे फिर नरिशमेंट लेता है, नशोनुमा वहाँ से पाता है। और वो किस तरह से पाता है कि समटाइम्स वो पेनिट्रेट कर देता है होस्ट के अंदर और वहाँ से सक करता है जो कुछ भी उसको चाहिए होता है, उसको फूड चाहिए या वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो वहाँ से सक करता रहेगा। या फिर वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैच, एक तो हमने ये ऊपर अटैच होने की बात कर ली, दूसरी हो गई ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने की। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं, उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से वो अपनी फूड ऑब्टेन करते रहते हैं। प्लांट्स की जब हम बात करें हैं तो प्लांट्स में हमारे पास जो वीट है, गंदुम के ऊपर एक ख़ास किस्म की फंजाए है जो कि अटैक करती है उसके ऊपर, आगे अटैच हो जाती है और फिर उसके प्लांट को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है, उसे हम कहते हैं पिशिनिया, जो कि वीट प्लांट को अटैक करती है। मेरे पास इसकी एक पिक्चर भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर का है ये एक होस्ट है, और इसके ऊपर ये जो ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रहा है ये एक पैरासाइट है। इसके ऊपर लिपटा हुआ है, और लिपटा इस तरह से हुआ है कि इसने अपने जो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइट कलर के सकर्स, इनको हम कहते हैं, इसने अपने सकर्स इस प्लांट के अंदर तक ले गया हुआ है। और इसके अंदर तक कहाँ तक लेके गया है, यहाँ पर आपको अगर पिंक और ब्लू कलर नज़र आ रहा है तो ये बेसिकली इसके कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज़ में क्या होता है, हमारे पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं, यहाँ पर लेबल भी हुआ, ठीक है। ये प्लांट कौन सा है, बेसिकली हम, ये कोई भी प्लांट है, इसके ऊपर जो पैरासाइट है इसका नाम है डॉडर। ये एक लीफलेस प्लांट होता है और क्या करता है कि ये इस तरह से क्रीपर्स की तौर पे, क्रीपर्स की तरह से प्लांट्स की, डिफरेंट और प्लांट्स के ऊपर लिपटता जाता है और क्या करता है कि अपने सकर्स जो है वो सक कर देता है इसके किसी भी प्लांट के अंदर उसके कंडक्टिंग टिश्यूज तक, यानी जाइलम और फ्लोएम तक, और फिर क्या होता है कि वहाँ से वो अपनी फूड जो है वो सक करता रहता है, खींचता रहता है। तो ये हमने देख लिया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके बाद एक थर्ड टाइप है हमारे पास जिसे हम कहते हैं सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? ये वो टाइप है न्यूट्रिशन की जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं,
एसोसिएट का मतलब ये है कि उनका आपस में एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जिसमें वो दोनों या तो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे या फिर एक फ़ायदा ले रहा होगा और दूसरा जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, इनको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कहलाती है म्यूचुअलिज्म और दूसरी कहलाती है कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अभी हमने यहाँ बात की है ना, एक हमारे पास था पैरासाइट, दूसरा था होस्ट, यानी दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में ये रिलेशन है। इसी तरह ये जो सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन है इस पर भी दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एक एसोसिएशन पाई जाएगी, एक खास रिश्ता पाया जाएगा जिसमें अगर म्यूचुअलिज्म है तो उन दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा। इसे हम लिख भी देते हैं, बोथ ऑर्गेनिजम्स विल बेनिफिट, दोनों को फ़ायदा हो रहा होगा, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे होंगे। ये हो गया म्यूचुअलिज्म। और कमेंसलिज्म में ये होगा कि एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हो रहा होगा, वन ऑर्गेनिज्म विल गेट बेनिफिट, एक को फ़ायदा होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड अदर रिमेन्स अनहार्म्ड, दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये जो इस किस्म की एसोसिएशन है इसे हम कहेंगे कमेंसलिज्म, जो कि आ जाती है हमारे पास सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन के अंदर। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है एक एसोसिएशन है जिसे हम कहते हैं लाइकन्स। लाइकन्स जो है वो एक एसोसिएशन का नाम है, और ये एसोसिएशन किन दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान पाई जाती है, ये पाई जाती है फंजाए और एलजी के बीच में। फंजाए और एलजी के बीच में किस तरह की एसोसिएशन है, ऐसी एसोसिएशन आप जानते हैं कि एलजी जो है वो फोटोसिंथेटिक होती है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर लेती है, जबकि फंजाए जो है वो हेटरोट्रॉफ है, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। तो होता यह है कि एलजी फूड प्रिपेयर करती है और वो फूड जो है वो फंजाई यूज़ कर लेते हैं, जबकि फंजाई जो है वो एलजी को वाटर, मिनरल्स और प्रोटेक्शन देते हैं। क्या दे रहे हैं? वाटर, प्रोटेक्शन दे रहे हैं और मिनरल्स दे रहे हैं एलजी को, ठीक है। और एलजी फंजाई को क्या दे रही है? बिकॉज इट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, तो क्या करते हैं वो फूड दे रही है फंजाए को, और इनका आपस में ऐसा रिश्ता कायम हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया लाइकन्स को। इसी तरह की एक और एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं माइकोरिज़ा। माइकोरिज़ा में क्या होता है कि ये जो एसोसिएशन है ये पाई जाती है फंगस में और रूट्स में। यहाँ हमने फंजाए की बात की, फंजाए और रूट्स। रूट्स किस चीज़ की है? ये प्लांट्स की रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपने अक्सर देखा होगा उनकी जड़ों में आपको फंजाए, फंगस तो ग्रीन ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। ये क्या चीज़ होती है? बेसिकली ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा है। वो फ़ायदा किस तरह से पहुंच रहा है कि प्लांट्स को तो हम जानते हैं कि वो क्योंकि फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, तो प्लांट्स का तो ये काम हो गया कि उन्होंने फूड बनानी है, प्रिपेयर फूड। फंजाए क्या करती है? फंजाए जो है वो हमने बात की थी कि फंजाए ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करती है, ठीक है। तो ये डीकम्पोज करेगी ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, इट विल डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर, और फिर क्या करेगी कि उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। और वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं वो फिर प्लांट्स के लिए फायदेमंद होंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। और ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस की हमने बात की, ये सिंपलर सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये नाइट्रेट्स हो सकते हैं जो कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कोई मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ मिनरल्स की फॉर्म में या नाइट्रेट्स की फॉर्म में ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये डीकम्पोज हो जाता है, और ये जो मिनरल्स हैं या नाइट्रेट्स हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स। तो ये जो एसोसिएशन है इन दोनों के दरमियान में ये एक म्यूचुअलिज्म की टाइप है जिसे हम कहते हैं माइकोरिज़ा।
इसी तरह हमारे पास एक और एसोसिएशन है जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन नहीं बल्कि दो प्लांट्स, एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट। अच्छा, लेग्यूमिनस प्लांट जो है ये खास किस्म का पौधा है जिसके जिसकी जो रूट्स हैं उस पर नूडल्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, नूडल्स ऑन रूट्स। अब होता क्या है कि ये जो नूडल्स टाइप स्ट्रक्चर हमने बात की है ये इनके ऊपर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया करता है नाइट्रोजन को फिक्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ये। तो इसने क्या करना है कि इसने फिक्स करना है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन फिक्स करने का क्या मतलब है कि इसने नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है इनटू नाइट्रेट्स, कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन को हम पूरा नाइट्रोजन मेंशन कर देते हैं और ये जो नाइट्रेट्स हैं ये फिर प्लांट्स, ये जो प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो ये भी एक किस्म की एसोसिएशन है जो कि पाई जाती है दो ऑर्गेनिज्म्स के दरमियान। और यहाँ पे भी हमें ये चीज़ नोट करनी है कि ये जो एसोसिएशंस हैं ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म्स के अंदर पाई जाती हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक फंजाई दूसरे फंजाई के साथ अटैच हो जाए या एक एलजी दूसरे एलजी के साथ अटैच हो जाए तो वो जो रिलेशनशिप होगा वो कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, उसको हम सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के अंदर नहीं काउंट करेंगे। अच्छा, तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स की हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की बात कर ली। इसके बाद एक और टाइप आती है जिसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। अच्छा, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन क्या है, ये वो टाइप है न्यूट्रिशन की जिसके अंदर प्लांट जो है वो इंसेक्ट से अपनी फूड लेते हैं। ये एक डाइवर्स टॉपिक है, डाइवर्स इन द सेंस के डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं और वो जो एनिमल्स पे अटैक करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर और वो अपनी फूड किस तरह से लेते हैं वो डिफरेंट तरीकों से अटैक करते हैं, इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। जस्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ ले लेते हैं और वो कॉन्सेप्ट ये है कि प्लांट्स जो हैं वो एक तो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को और फिर उसके बाद डाइजेस्ट कर लेते हैं उनको, और डाइजेशन के लिए डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन की दो टाइप्स की बात की और जो हमारा टॉपिक था आज हमने पढ़ना था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हम प्लांट्स के अंदर देख रहे थे उसमें हमने कहा था कि डिफरेंट तरह से प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड को लेना सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके बाद हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात की और पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमने कहा था कि किसी होस्ट के ऊपर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके अटैच हो जाना और उससे अपनी फूड लेना पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके बाद हमने सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की बात की, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन वो टाइप है न्यूट्रिशन की जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं जिसमें दोनों को फायदा हो रहा होता है या फिर एक ऑर्गेनिज्म फायदा ले रहा है और दूसरा जो है वो हार्म नहीं हो रहा। इसके बाद फिर हमने इंसेक्टिवोरस या हम कह सकते हैं वो न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स डिपेंड कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर या इंसेक्ट्स के ऊपर अपनी फूड के लिए, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।